हेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.13 ऑफ इरोडो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है uh, जिसमें दो पार्टिकल मूव करते हैं एक दूसरे को चेज करते हैं बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में भी भी है ये uh, जिसमें अलग अलग नाम से बनाया जाता है कि कैट डॉग चेज चेजिंग है एंड ऑल दैट या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को चेज करता है तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ एंड uh, उसके फिर आंसर को बताऊँगा it says point a moves uniformly with velocity v so that the vector v is continually amped at point b which in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u which is lesser than v at the initial moment of the time both velocities vector are perpendicular and the points are separated by a distance l and the question asks how soon will they, these points will converge सो so, इसको आप अच्छे से रियलाइज कर पाओगे अगर इसकी मैं आ, रफ पिक्चर ड्रा करूँ सो ये डायरेक्शन है और उसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है जो पॉइंट ए है वो यहाँ पर है दिस इज पॉइंट ए लोकेशन और दिस इज द पॉइंट बी लोकेशन इनिशियली ना ए का वेलोसिटी हमेशा बी की डायरेक्शन में रहेगा जिधर बी होगा उधर इसका डायरेक्शन रहेगा सो so, इसकी वेलोसिटी इधर है और ये वी है हाउ B point is also moving in this direction. So initial velocity you can watch कि इन दोनों की initial velocities perpendicular हैं और उनके बीच का जो separation है particles के बीच का separation वो L है. So L is this distance. अब क्या होगा? ये B uniformly इस direction में जाएगा. A क्या करेगा? A अपना speed maintain करेगा. However इसका direction हमेशा B की तरफ होना चाहिए. हमेशा B की तरफ होना चाहिए. कुछ ऐसा होने वाला है. So, after certain time, या टी टाइम बाद आप समझो कि बी आपको यहां पहुंच गया तो जब बी इधर लोकेशन पे जाएगा तो अभी भी ये इनिशियल सेम वेलोसिटी से जाएगा क्योंकि बी का तो मोशन यूनिफॉर्म है लेकिन इसका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा क्योंकि इसको टारगेट करना है इसको सो ये कुछ तो आ, इस तरह के पाथ पे जाएगा और कहीं लेटर ऑन इसको कन्वर्स करेगा जा करके। जब इस तरह के पाथ पर जा रहा होगा तो जिस मोमेंट पर उसको दिखाया गया बी को तो बी से आने वाला टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में ये होगा सपोज करो ये यह यहाँ पर है तो यहाँ से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसा तो बी को जाएगा तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अभी इस पॉइंट पर है जो कि यहाँ पे टेंजेंट है ये पॉइंट समझना काफी क्रिटिकल है कि ए ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स बी सो ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है ए विल पॉइंट टूवर्ड्स बी और बी will move linearly is, uh, with uniform velocity. Now since uh, ये इधर जा रहा है फिर इसके बाद में uh, इस ये B यहाँ पहुँचा होगा तो ये इधर point करेगा इधर जाएगा तो कहीं later on जा कर के converge करेंगे जाके मैंने complete picture नहीं दिखाया आगे जा कर के मिलेंगे ये थोड़ा सा डाउन हो गया यू कैन थिंक ऑफ कि वो कन्वर्ज करते हैं टेमटेटिव पिक्चर है एनी anyway, अपने को सॉल्व करना है कितने टाइम के बाद वो मीट करने वाले हैं So, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं जिसको टेंटेटिवली ड्रॉ uh, किया था तो ये है 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 इस moment की, velocity की किसी later on time की है ना Assume कर लेते हैं कि ये horizontal से theta angle पर है. तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी ये इनके बीच का सेपरेशन है सेपरेशन इज गोइंग टू बी लेस एल हैज़ टू बिकम जीरो तो जब ये सेपरेशन जीरो हो जाएगा उस समय ये दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे सिंपल सा पॉइंट है तो इनके बीच का सेपरेशन विल रिड्यूस फ्रॉम एल टू जीरो एक तो ये पॉइंट हो गया हाउ एवर थीटा इज अ वेरिएबल बट स्टिल अगर हमको सेपरेशन निकालना है तो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालने के लिए इस यू के दो कंपोनेंट कर सकते हैं किस डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नो no, ये जो कंपोनेंट है जो सेपरेशन में कंट्रीब्यूट करेगा वो यू कॉस्ट थीटा है और जो डायरेक्शन में इन्वॉल्व है वो यू साइन थीटा है रिलेटेड डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है सो कैन वी से कि इनका जो सेपरेशन है या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह लो क्योंकि अप्रोच होने वाला है मीट कर रहा है या सेपरेशन है डिस्टेंस का चेंज है वो ये दो वेलोसिटी से गवर्न होने वाला है अच्छा न्यूमेरिक वैल्यूज के टर्म में देखो इसने बोला है कि वी बड़ा है

रेट एट विच दिस इज गोइंग टू बी वी माइनस यू कोस्थीटा थोड़ा और आगे ले जाएंगे तो यह बनेगा इंटीग्रेशन डी एस इज सॉरी माइनस डी एस इज इक्वल टू वी माइनस यू को स्थितिटा डी टी

ट है, है. है अच्छा एक रिलेशन मिला लेकिन इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे हालांकि ऐसा लग रहा है यहाँ से निकाल सकते हैं इसमें थीटा वेरिएबल है नॉट ओनली अनोन है बट ऑल्सो वेरियबल दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जहां ये मिलने वाले हैं कहीं लेटर ऑन तो क्या दोनों सेम एक्स कंपोनेंट कवर करने वाले हैं एक्स कंपोनेंट राइट सो अगर ये वेलोसिटी है तो जनरल का वी करें और ये एंगल थीटा गिरेगा ये थीटा कहाँ से आ रहा है यहाँ से राइट सो right? so ये वेलोसिटी है कि वी कॉस थीटा इसका कि जितना इसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया उतना इसने भी करेगा टी टाइम में कैपिटल टी टाइम में सो नेक्स्ट कंडीशन आई एम कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर इक्वल सो दैट इज यू टी यू टी कैसे है यार कॉन्स्टेंट स्पीड इन टू टाइम इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन वी कॉस थीटा टू डी टी फ्रॉम जीरो टू टी

बन जाएगा एल इन टू वी डिवाइड बाई वी स्क्वाइनस यू स्क्वास मींस टी इज इक्वल टू एल इसमें यूज किया गया था वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिस इज द टाइम आफ्टर विच दिस एल बी एबल टू चेस और कैच बी एंड ए एवरी टाइम एम डेट बी B was moving with the uniform velocity. So you have my answer Roger, final answer, right? Okay. If you got it, that's great. Thank you.